गाइस कैसे हो सभी भाई। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक होंगे। और आज संडे था तो जल्दी नहा लिया और सोचा मगर अपना संडे भी क्यों वेस्ट करूँ, और सोचा कहीं घूम आऊँ। तो इस मारिया राहुल हिल जा रहा हूँ, बस 1-1.5 घंटे में निकल लूँगा। नहा लिया हूँ सुबह जल्दी और बस अपना निकलूँगा 1-1.5 घंटे में राहुल हिल्स। वहाँ बढ़िया मज़े फन करके आएंगे, उसके बाद अपना बढ़िया व्लॉगिंग करेंगे, बढ़िया रील्स बनाएंगे, बढ़िया वीडियो बनाऊँगा, सब कुछ दिखाता रहूँगा वीडियो में। बस वीडियो में बने रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए चैनल ने। और एक सबसे बड़ी ज़रूरी बात, अपना एलविश यादव भाई बिग बॉस में जा रहा है तो इन्हें सपोर्ट करो, वोट करो, हर तरीके से इन्हें जिताओ, सपोर्ट करो, पूरी जान लगा दो, दिखा दो कि राव साहब की चीज़ है, सपोर्ट करो, बढ़िया डाल एलविश भाई ने। बस सबसे ज़रूरी बात ये थी, बाकी वैसे ही अपना राहुल इसी के टाइम निकलेंगे और जाके दिखाते रहेंगे रास्ते में कि क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं, क्या फन करेंगे क्या नहीं। सो निकल चुके अपने राहुल हिल्स के लिए। सोचा संडे था, आज अपना संडे वेस्ट क्यों करा, घूमे आओगे संडे में तो इस मारिया राहुल हिल्स जाऊँगे, बाकी देखते हैं कुछ और प्लान बन गया। तो मम्मा के तो निकल चुके हैं भाई, यहाँ आता है 10 मिनट का रास्ता और बाकी रास्ते में दिखाते रहेंगे। पहुंच गया भाई अरावली हिल्स, देख लो अरावली हिल्स इन गुड़गांव, एक नंबर की जगह भाई, कभी आओ तो आके देखियो, गुड़गांव के अंदर जगह है। लेकिन अयो ऐसे मौसम में आज तो धूप हो रही है, काफ़ी तेज़ धूप है इसलिए इतना मज़ा नहीं आएगा। बढ़िया मौसम है, बारिश का मौसम हो, बादल वादल हवा हवा चले, जब आइयो अपने आराम से, जब इंजॉय करियो, क्या कैफे वगैरह सब कुछ है इसके अंदर, बाकी आप व्लॉग में दिखाते रहेंगे। और अभी कुछ खाओगे पियूंगे कैफे जाके, वो भी दिखा देंगे। अपने भाई का वेट कर रहे हैं भाई, छोटे भाई का, जब तक वो आ जाए, जब तक ये पानी की बोतल ले आऊँ, प्यास लग रही है। यो अपना राहुल हिल्स में 7 स्पाइस करके नाम के एक है वैन, चाइनीज़ वैन है, इस वजह से कुछ खाना पीना होगा इस पर, देख लियो ना भाई, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, पानी की बोतल भी नहीं है, प्यास से मर गए घनी देर से। तो चलो कैफे चलेंगे अपना, आगे कैफे है, एक बार भाई आ जाओ, उसके बाद निकलते हैं, वो थोड़ी सी पीछे रह गया था, मारते हैं व्यू, बाकी ज़बरदस्त, बिल्कुल एक नंबर का। बस मौसम ने थोड़ी गड़बड़ कर रखी है, अगर मौसम बढ़िया होता फिर तो बात ही अलग हो जाती। गति आ लिया भाई, आ लिया है, देख लो लिया है गाड़ी अपनी, जेड ब्लैक 5944 एंड देख लो। देख लो इसने राव साहब ने, हाँ भाई राव साहब, हाँ भाई ठीक ठाक, देख लिया राव लील्स, ये राव लील्स है हिंदू, जय श्री राम। ये देख लो भाई का राव साहब, गाड़ी का नंबर याद कर लो, पुलिस वाले तो बता दिया 5900। लो भाई आ ली अपनी गाड़ी में शिफ्ट में, गैंगस्टर गाड़ी के अंदर, उस गाड़ी में काफ़ी अनकम्फर्टेबल था मैं, ठीक था चला नहीं पा रहा था, ब्रीजन है, ब्रीजन में इतनी सूट नहीं करता कभी गाड़ी चलानी, क्योंकि ना मैंने इतनी पसंद ना मैं इतनी चलाता। बाकी अपनी शिफ्ट ओके है, उससे शिफ्ट ले गए, उससे दे दी ब्रीजा, अब लिखट पड़े आ गए, क्या फिर रुकेंगे चल गए। व्यू काफ़ी एक नंबर गया भाई, आके आना चाहिए कभी कदार वीकेंड पे, लेकिन जब मौसम बढ़िया हो, ऐसे मत आ जियो वरना मर जाओगे गर्मी में, काले पड़ जाओगे। मैं तो आ गया बस कुछ करके, मामा का आया था जब आ लिया। काफ़ी ख़राब रास्ते है भाई, अपने जब भी आओ आराम से आओ, कोई जल्दी में नहीं, क्योंकि आगे रास्ते ख़राब है, पीछे रास्ते बाकी ओके हैं, थोड़ी सी दूर चलेंगे तो रास्ते ख़राब है, ज़्यादा भी नहीं, तो अपना आराम था ना। बाकी कैफे के अंदर बस पहुंचने वाले हैं, यो आगा डक्स एंड डॉग्स के नाम से कैफे है, देख लो दुनिया भर के कैफे है यहाँ, आराम से देखो अपना तसल्ली था। डक्स एंड डॉग्स एंट्री कर रहे हैं इसके अंदर,
देखियो कितने सारे कुत्ते मिटेंगे, पाड़ ले ना मगे एक आधे निन्न है जी सा आ जाओगा मेरा तो। पहुंच गया भाई गाड़ी खड़ी करें, डक्स एंड डॉग्स, चलो भाई कैफे के अंदर हो भाई। एक नंबर का कैफे है, व्यू भी कति तगड़ा आ रहा है, आते व्यू देख लो जबरदस्त। मतलब यहाँ पर आओ तो ऐसी कुछ नहीं है कि अपना टाइम वेस्ट जैसी कुछ चीज़ नहीं है, ओके चीज़ है बिल्कुल। देखने की ताई हरियाली वगैरह, पहाड़ वहाड़, अपना मिनी पहाड़ वगैरह देखते रहो। हो गए भाई ये शुरू, देख लो सारे भरन लग रहे हैं। कोई बोल रहा है खा ले, तू खा ले, मैं तो फिर खा लूँगा भाई, तू भर ले पहली। स्वाद है भाई बेटा, ओके है, मस्त है। ये कोल्ड ड्रिंक लो, कोल्ड ड्रिंक भी पियो भाई, तो अपने कोल्ड ड्रिंक आगे थारी। इनमें क्या आया फिर? कोल्ड कॉफी, अपनी तो कोल्ड कॉफी सही है, कोल्ड कॉफी पियेंगे। चिली पनीर खाऊंगे बस, और खाएंगे हुक्का वगैरह इन रहा नहीं तो वो थोड़ा बहुत चल जाएगा कभी कदार, तो बाकी कोई नहीं। ओके कैफे भाई, खाना भी कति ओके था, खाना थोड़ा बहुत खा, हल्का फुल्का बढ़िया ओके था, बढ़िया कैफे है। जिस जिस हिसाब से जगह है उस हिसाब के ओके कैफे है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, और हमारे गया लेक है मंगती, अब अपनी सिकल छुपा रही है कोई ना। कैफे से निकल चुके भाई, सोची दिनों थी कि स्विमिंग करेंगे, लेकिन इनका कुछ रीज़न की वजह से स्विमिंग पूल बोल बंद है अभी। स्विमिंग करते वरना बढ़िया, उसके बाद निकलते आराम से। आ गया काफ़ी चीज़ें यहाँ दिखने की, सैंड माउंटेन वगैरह भी सारी चीज़ है, अरावली हिल्स में दिखाऊंगा आपसे, बाकी टाइम लगा दो। और चल रहे भी निकल चुके हैं लाइन से सारे कैफे हैं, लेकिन स्विमिंग पूल रूम वगैरह एक में ही है। काफ़ी एक्टिविटीज़ भी है करने के लिए, करना चाहो तो। हम तो भाई गरन के तय आए थे, लेकिन आज पहला ना कि ये रीज़न है इनकी बंद थी सारी, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगे कभी। डग्स एंड डोज कैफे, डॉग्स कैफे ये देख लो अपना, घने सारे कैफे भाई। आगे तक गाड़ी आ रही है, आ जा भाई। रील्स बनाने की तरह रुक गए थे भाई, हाँ यहाँ पे बढ़िया रील्स बनाए हैं, बढ़िया डाल बनी है। रील्स देखी नहीं हो तो आप इंस्टा पर चले जाइए, अपनी आईडी मेंशन कर दो डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर जाके देख लियो, बढ़िया बढ़िया रील्स देखेगी आपने देखने की ताई। बाकी इवली कटे आराम रील्स तो अभी निकले भी नहीं है पूरी तरह तरीके से, तुम जान लग रहे हैं। बढ़िया जगह है, आओ कभी और देख के जाइयो। मैं बाकी एड्रेस भी मैंशन कर दूँगा, आइयो कभी टाइम लगे तो एक बार, वीकेंड पे आना चाहिए यहाँ, बढ़िया जगह है वीकेंड। भाई मामा के पहुँच जाऊँगे और दो मिनट में पहुँचने वाले बस, तो मेरे मामा के तो बस 5 मिनट का रास्ता रह जाएगा, अराउंड रेल का 5-10 मिनट का, काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है मेरे मामा के घर से तो। और बस इस ब्लॉग में एंड करेंगे, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।